नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 21 जुलाई 2024 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यूएई महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ टी20 वुमेन्स एशिया कप 2024 का अपना दूसरा मुकाबला खेला। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम शुरुआत में लड़खड़ा गई। इस मैच के तीसरे ओवर में स्मृति मंदना 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गई, पर शेफाली वर्मा नहीं रुकी, वो तेजी से रन बना रही थी। शेफाली वर्मा ने 18 गेंदों पर 37 रन बनाया। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। मैच के 5वें ओवर में शेफाली वर्मा भी आउट हो गई, उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 100 रन पूरा कर लिया था। क्रीज पर कैप्टन हरमनप्रीत कौर बैटिंग कर रही थी, तब बल्लेबाजी करने आई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने रनों का अंबार लगा दिया। हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 190 रन पार पहुंचा दिया, पर हरमनप्रीत कौर 47 गेंदों पर 66 रन बनाकर 20वें ओवर में आउट हो गई। ऋचा घोष मैच के अंत तक नॉट आउट रही, टीम को 201 रन तक पहुंचा दिया। ऋचा घोष ने 29 गेंदों पर 64 रन बनाया, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। यूएई के तरफ से गेंदबाजी में कविशा इगोदागे ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट झटका। मैच के दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आए यूएई के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। यूएई की ओर से कैप्टन ईशा रोहित ओझा ने 36 गेंदों पर 38 रन बनाया। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया और कविशा इगोदागे ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 गेंदों पर 40 रन बनाया। भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और यूएई को 20 ओवर में 123 रनों पर रोक दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर, तनुजा कंवर, पूजा वस्त्रकार और राधा यादव ने 1-1 विकेट निकाला और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट निकाला। और इसी के साथ भारतीय महिला टीम ने यूएई महिला टीम को 78 रनों से हरा दिया। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने इस मैच में 20 ओवर में 201 रन बनाया और ये भारतीय महिला टीम के टी20 के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने साल 2018 में मुंबई के टी20 मैच में इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 198 रन बनाया था। वो भारतीय महिला टीम का टी20 में सबसे बड़ा स्कोर था। भारतीय महिला टीम ने टी20 वुमेन्स एशिया कप 2024 में पहले पाकिस्तान और अब यूएई को 21 जुलाई को हराकर सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मैच में तूफान की तरह रन बनाने वाली ऋचा घोष को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आइए जानते हैं ऋचा घोष के बारे में। ऋचा घोष का जन्म 28 सितंबर 2003 को सिलीगुड़ी के वेस्ट बंगाल में हुआ। मात्र 16 साल की उम्र में साल 2020 में ऋचा घोष को 2020 के ICC वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के इंडियन स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया था। ऋचा घोष ने टी20 इंटरनेशनल में 12 फरवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था और वनडे में 21 सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही डेब्यू किया था।